Assalamu alaikum, kaise hain aap log? Sorry for the bad video quality. Meri kal phone gir ke toot gaya, to jo camera hai us pe baal aa gaya, jiski wajah se ye mere andar se noor nikal raha hai, har jagah se noor nikal raha hai. Anyway, so kal ek bacche ka message aaya aur us message mein us bacche ne kaha ke Pakistan ki qaum soyi hui hai aur main kya karu, and to maine usse baat kari, usse pucha aap kaun hain, kya karte hain. Fir wo kafi naraaz tha ki politicians jo hain wo kuch help nahi kar rahe, kuch karna nahi chahte. To maine unse pucha aap kya karte hain, unhone kaha main soft engineering pad raha hu. Maine kaha aapki umar kya hai, unhone kaha 27 saal hai. मैंने फिर उनसे, वो नाराज़ थे इमरान खान की पार्टी से, तो मैंने उनसे पूछा भी इमरान खान की पार्टी कब से है. उन्होंने कहा 1993 से. उन्होंने कहा कितने साल हो गए. उन्होंने कहा 25 साल. मैंने कहा तो जब 25 साल पहले इमरान खान ने काम करना शुरू किया था तो उनके साथ कितने लोग थे. तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं. मैंने कहा गूगल करें. फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपने 27 साल के हो गए, शादी कब करेंगे, और शादी का नहीं पूछा, कितने पैसे कमाए अभी तक आप पढ़ रहे हैं. तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं कमाया आज तक. तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के. तो मैंने खैर मैंने और मज़ीद उनसे पूछा. खैर वो काफ़ी नाराज़ थे और वो अमेरिका से भी नाराज़ थे कि अमेरिका पाकिस्तान को तड़ी लगा रहा है और ठीक करना चाहता है. तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि अमेरिका पाकिस्तान को ठीक करना चाहता है और आप पाकिस्तान को भी तो ठीक करना चाहते हैं, आपको क्या फ़िक्र है कि पूरी कौम सोई हुई, आपको इस चीज़ की क्यों फ़िक्र नहीं है कि आप 27 साल के हो गए हैं, आपने अभी तक कोई आमदनी नहीं कमाई, आप 27 साल के हो गए हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपने घर वालों को कोई पैसे कमा के नहीं दिए. तो इन सारी बातों का मकसद ये था कि मेजॉरिटी जो बच्चे हमारे हैं, अच्छा वो साथ ही बहुत ज़्यादा उनका जो कमेंट था वो था कि हम सत्तू पी के सो रहे हैं, इसका मतलब है बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है. तो मेरी गुजारिश अन तमाम ऐसे पाकिस्तानी भाई बहनों से, जितने भी सुनने वाले जिनको मेरी बात समझ में आ रही है, उनसे यह है कि आपको सबसे पहले जो इसकी फ़िक्र करनी है वो है अपने आप की, कि आप अपने आप को जब तक स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप हैं पाकिस्तान, आप हैं सिंधी, आप हैं सराइकी, आप हैं पंजाबी, आप हैं पठान, आप हैं बलोच, आप हैं चित्राली, आप हैं आप. आपके घर वालों की पहचान आपसे है, आपके मोहल्ले वालों की पहचान आपसे है, फिर आपके शहर वालों की पहचान आपसे है, फिर आपके मुल्क की पहचान आपसे है. जब आप अपने आप को अपने घर वालों में ही रिकग्नाइज़ नहीं करा पा रहे, अपने मोहल्ले में नहीं करा पा रहे, आप अपने मोहल्ले को ठीक नहीं कर रहे, आप अपने घर को ठीक नहीं कर रहे, आप अपने शहर को ठीक नहीं कर रहे, तो आप मुल्क को ठीक करने की फ़िक्र ना करें. सबसे पहले जिसकी फ़िक्र आपने करनी है वो अपने आप की करनी है. अगर आप 20 साल के हो गए हैं और आप मर्द हैं, तो आपने अभी तक कोई पैसे नहीं कमाए हैं, तो बहुत बुरी बात है. और आपने कहीं नौकरी नहीं करी तो भी बहुत बुरी बात है. उसकी वजह यह है कि जब आप कहीं इंटर्नशिप करते हैं, नौकरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, कहीं यू नो पोछा लगाते हैं, बाथरूम धोते हैं, कुछ भी फिज़िकल काम करते हैं, तो आपको दुनिया का पता चलता है कि दुनिया एक्चुअल में क्या है, हकीकत क्या है, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है. तो मैं सबको मशवरा यही देता हूँ कि आप अगर 10 साल के हैं, 12 साल के हो गए हैं, तो डेफ़िनेटली आपने कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी है और कहीं ना कहीं जाके काम करना है. याद रखें कि पहले ज़माने में 12 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में शादियाँ भी कर दी जाती थी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है. हमारे दादा की शादी जो है वो 14 साल की उम्र में हो गई थी, और आई एम श्योर कि आपके ख़ानदान में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़े हैं, उनकी उम्र बहुत जल्दी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी. तो अगर आपको परेशानी है कि पाकिस्तान के लोग सत्तू पी के सो रहे हैं, तो सबसे पहले आप उठ जाएं, आप तब्दील हो जाएं, आप दूसरों की फ़िक्र ना करें. आप फ़िक्र ये करें कि मैंने इस साल कितनी किताबें पढ़ी, मैं आज मेरी मार्केट की वैल्यू क्या है. अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपकी बाज़ार की वैल्यू अभी भी 50,000 रुपये महीने नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप इस लायक नहीं है कि आपको 50,000 रुपये कोई दे सके. तो आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं. और अपनी वैल्यू किस तरह से बढ़ती है? वैल्यू इस तरह से बढ़ती है कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, अपना फोकस बढ़ाते हैं, अपनी अपना इल्म बढ़ाते हैं. सिफारिशें नहीं बढ़ानी है,
मवाक़े नहीं बढ़ाने, अपने आप को बढ़ाना है, मवाक़े ख़ुद पैदा हो जाएंगे, आप ख़ुद मौके पैदा कर लेंगे अपने चारों तरफ जब आप बदल जाएंगे। तो सारी दुनिया को आप कहाँ भेजें, जहन्नम में, और आप अपनी फ़िक्र करें और आप स्ट्रांग बनें। कोई अच्छी सी किताब आज पढ़ें, हफ्ते में एक किताब पढ़ने के शौक़ पैदा करें, अपने मकसद तय करें कि मैं ज़िंदगी में आया क्यों हूँ, मैं अल्लाह मियाँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। और जब आपको पता होगा कि मेरा मकसद ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो अब उस मकसद से रिलेटेड किताबें सेलेक्ट करें, यूट्यूब की वीडियो सेलेक्ट करें और पढ़ना सुनना शुरू कर दें। गुस्सा खाना ख़त्म कर दें, किसी बात पे गुस्सा खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता गुस्सा खाने में। किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर घबराहट है किसी बात की तो उसको चैनलाइज़ करें, मेडिटेशन शुरू करें और अब चैनलाइज़ करें कि भाई इस घबराहट को मैं अपने सक्सेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, सफ़र पे निकल जाएंगे, तो आप यकीन करें जब आप स्टूडेंट रेडी हो जाता है तो टीचर खुद आ जाते हैं सामने और आपको कोई ना कोई आके ज़रूर गाइड करेगा। और उस गाइड की बात को बुरा ना मनाएं, वो आपके हक़ के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, आपको बात बता रहे हैं। आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इग्नोर कर दें, लेकिन आप उसकी बात का बुरा ना मनाएं। कोई भी जो इंसान दुनिया में रहता है वो गलत बात करने के लिए आपके पास नहीं आता, वो आपको हिदायत देने के लिए आता है, अच्छी बात सिखाने के लिए आता है। चाहे वो आपके, फ़र्ज़ करें आपको कहीं से चोट लगी या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, आप यकीन करें वो एक्सीडेंट भी आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि आपके लिए उसके अंदर कोई सबक था, कोई चीज़ थी, कोई घबराहट थी, उसको दूर करना है। आपने, आपके साथ जितनी बीमारियां आ रही हैं, आपके साथ जितनी परेशानियां आ रही हैं, वो इसलिए नहीं आ रही कि आपके साथ किसी को या अल्लाह मियाँ को कोई नाराज़गी है, बल्कि आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। ये जितना भी दुनिया का सफ़र है, तकलीफ़ें हैं, ये सबक हैं, लेसन्स हैं, उनसे सीख के हमने बेहतर इंसान बनना है। कांस्टेंट जो काम है वो क्या है, कांस्टेंट अच्छा इंसान बनना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इंसान बन जाएं, पैसा आपके हाथ पे खुद ब खुद आएगा, जादू की तरह आएगा। लेकिन आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने अच्छे काम करने हैं, आपने अपने अंदर से गुस्सा ख़त्म करना है, आपने अपने इल्म को इजाफा करना है और अपने मिशन बनाना है, गोल बनाना है ज़िंदगी का, कि ये मैं करना चाहता हूँ। आप ये पांच काम कर लें और आप देखें कि किस तरह से आप तब्दील हो जाएंगे, फिर आपका मोहल्ला तब्दील हो जाएगा, फिर आपका शहर तब्दील हो जाएगा, फिर आपका मुल्क तब्दील हो जाएगा, फिर आपकी दुनिया तब्दील हो जाएगी। ये तरीका है, ये प्रोसेस है। अब आप इसके लिए शॉर्टकट तलाश करते हैं, सर मुझे कोई वीडियो बना दें, मैं जादू की छड़ी आप चला दें, वो फ़ौरन हल हो जाए, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। हो इसलिए नहीं सकता कि अगर आप कहेंगे सर मैं कल शादी करके ना परसों बच्चा भी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक कुदरत का कानून है और उस कानून को हम नहीं तोड़ सकते। और बस ये कल की बात की समरी करनी थी, मैंने कोशिश करी थी उन साहब के साथ लाइव आ जाऊं, जाके आप उनके सवाल को उनकी ज़बान से सुन सकें, बट उस वक्त मुमकिन नहीं हो रहा था, तो मेरा ख्याल था कि मैं उसको यहाँ पे बता दूं। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। मैंने कुछ टूल्स rehan.com/start पे अपने नाकस अकल के हिसाब से वहाँ लगाए हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, उनको फॉलो करें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी मेरे ख्याल में मुल्क में है वो खुद एतमादी की है, खुद बिलीफ की है, खुद ही की है। वो कैसे आएगा? वो इस तरह से आएगा जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे। अगर फिज़िकली नहीं मिल सकते, किसी छोटे जगह रहते हैं, तो ऑनलाइन पे मैंने 5,000 बेहतरीन दोस्त जमा करें आपके लिए, उनमें से ऐड कर लें उनको, अपने पसंद के लोगों को। सेकंड, अपनी वीडियो बना के लगाएं, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आपके ऊपर लोग पथराव करेंगे, जब पत्थर फेंकेंगे, बुरी बात करें, समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ईगो हर्ट होगी। उस ईगो हर्ट होने से आप स्ट्रांग इंसान बन जाएंगे, बेहतर इंसान बन जाएंगे कल से और कुछ लम्हे से। उस वक्त गुस्सा आएगा, सो जाइएगा, अगले दिन गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तीसरा क्या काम करें, लाइफ का मिशन बना लें कि मेरा ज़िंदगी का काम मकसद ये है, और एक काम सेलेक्ट कर लें, जब तक वो नहीं होता कुछ और ना करें। आपको जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसके दिमाग में 2500 आइडिया आ रहे होते हैं। तो याद रखें, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना एक बहुत बड़ा काम है, कि मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने बस ये करना है, मेरा ये फोकस है। अगर ये नहीं करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये आज की बात थी, आप अपना ख्याल कीजिएगा, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि लोग आपके ऊपर वजन रख सकें, अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप एक स्ट्रांग पाकिस्तान को अपने कंधे पर उठा के पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें।
कोई नवाज शरीफ, कोई इमरान खान आपकी तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर आपने बदलनी है और कोई नहीं बदल सकता। ना रेहान आपकी कोई तकदीर बदल सकता है, कोई तकदीर नहीं बदल सकता। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह सुबहान ताला भी उस कौम की तकदीर नहीं बदलते, उस इंसान की भी तकदीर नहीं बदलेंगे जो अपनी तकदीर ख़ुद नहीं बदलना चाहता। तो अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स बताए हैं, इनको अमल करना शुरू करिए। मेरी बात भी अच्छी नहीं लगती, किसी और टीचर को पकड़ लीजिए, किसी और जिसको आप सक्सेसफुल समझते हैं उससे टिप्स मांग लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। सत्तू पी के सोइए नहीं। अस्सलाम वालेकुम।